वेलकम टू अन अकेडमी। सो अन अकेडमी ने ला दिया है एजुकेशन की फील्ड में एक नई क्रांति। अब आप घर बैठे अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। आप टेक्निकल कॉम्प्लेक्स चीजों को बहुत आसानी से मल्टीपल टाइम्स एजुकेटर के साथ देख सकते हैं और ये सब पॉसिबल हो सका है बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स डन बाय द अन अकेडमी ऑन द ऑनलाइन दुनिया। ठीक है क्या? सो अगर मैं बात करूं तो मेरा नाम वरुण है और मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूं इलेक्ट्रिकल मशीन कंट्रोल सिस्टम और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। दीज सब्जेक्ट्स आर इन द गेट एंड ESC। आप मेरा कोड VST101 यूज कर सकते हैं किसी भी फ्री स्पेशल क्लास में एंटर करने के लिए। यू कैन फॉलो मी एट अनअकैडमी एज unacademy.com/@varun। आपको करना क्या है, यू हैव टू डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ओपन इट एंड देन जस्ट यूज VST101 कोड टू एंजॉय ऑल द फ्री स्पेशल क्लासेस ऑन अनअकैडमी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिकॉर्डेड यूट्यूब एंड अनअकैडमी प्लस। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस अनअकैडमी प्लस इज द बिगेस्ट वन फॉर द ऑनलाइन एजुकेशन। इफ यू टॉक अबाउट द paid courses, two types of paid courses will be offered by the An Academy, that is Plus and Iconic, and the features are described onto the slide. If you observe the fee structure, then fee structure will be 39,600 for 2 years. It just costs 1,650, as well as EMI option is available. The fee showing here is only after you are using a discount code VST101. This is my code. It means now your education is going to be in my surveillance if you are using my code VST101. अब अगर बात करते हैं Iconic की, then Iconic will have some extra features and because of which the fee structure will be different. This will be 66,600 for 24-month plan. It just got 2,775. But this fee structure will be applicable only if you are using my code VST101. The batches are in front of you. Now let us come to the point of discussion, that is slip test. If we talk about slip test, then why we need a slip test? The first question arises in our mind. क्यों चाहिए भाई slip test? बेटा ऐसा है, cylindrical rotor machine के केस में air gap uniform होता है throughout. इस वजह से stator का flux रोटर के किसी भी पोजीशंस के थ्रू, रोटर का कोई भी पोजीशन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो फ्लक्स है स्टेटर का, वो आपका इक्विवेलेंट ही आपको दिखाई देगा हर पोजीशन पे। यानी इसका जो असर है, जो इसका असर है, जो इसका इफेक्ट है, दैट विल रिमेन सेम वेदर द रोटर इज रोटेटिंग और रोटर इज एट एनी पोजिशन। हाउएवर द अदर मशीन इज योर सेलिएंट पोल मशीन। सेलिएंट पोल मशीन के केस में रोटर के स्ट्रक्चर के थ्रू जो स्टेटर का फ्लक्स पाथ ले रहा है, वो रोटर की पोजीशन के हिसाब से बदल रहा है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जो आर्मेचर का फ्लक्स है, वो अगर इस पोजीशन को देखा जाए तो इसे बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट एक्सिस। जो पोल एक्सिस होती है, रोटर पोल एक्सिस को डायरेक्ट एक्सिस कहा जाता है, और रोटर पोल एक्सिस से 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस ऑफ द रोटर। सो क्वाड्रेचर एक्सिस ऑफ द रोटर से अगर आपका आर्मेचर का फ्लक्स पाथ कंप्लीट करता है, तो यहां देखेंगे कि एयर गैप बहुत ज्यादा है और इस वजह से यहां आर्मेचर रिएक्शन क्या है, इट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन टू द फील्ड फ्लक्स। सो आर्मेचर रिएक्शन का असर कम रहता है, जबकि जब हमारा आर्मेचर का फ्लक्स रोटर के डायरेक्ट एक्सिस से पाथ ले रहा होता है, उस समय एयर गैप आप देखिए मिनिमम है और आर्मेचर का रिएक्शन बहुत अधिक होता है। तो यहां पर आर्मेचर का रिएक्शन रोटर की पोजीशन के हिसाब से अफेक्टेड हो रहा है। अच्छा, अब जरा हम आगे देख लेते हैं, हम स्लिप टेस्ट करते कैसे हैं। स्लिप टेस्ट इज यूज टू फाइंड द आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंसेस when the rotor is along the direct axis or when the stator flux is taking path through the rotor direct axis or when the stator flux is taking path through the rotor quadrature axis. In order to perform this test, we need a variac, variable ratio auto transformer,
टू वोल्टमीटर एंड एमीटर। ओके, हम लोग यहां पर देखिए तो ये हमारी मशीन हो गई सिंक्रोनस मशीन जिस पे हम टेस्ट करना चाहते हैं। ये हमारे पास एक वेरिएबल रेशियो ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया जिस पे थ्री फेज सप्लाई हमने लगा दी एट फ्रीक्वेंसी F1। लेट अस सपोज फॉर अ मोमेंट की रेटेड फ्रीक्वेंसी और रेटेड वोल्टेज ही लगा दिया। So, ऐसी कंडीशन में यहां पर वोल्ट मीटर V1 जो है वो वोल्टेज मेजर करेगा जो स्टेटर पे अप्लाई हुआ और एमीटर मेजर करेगा जो स्टेटर में करंट जाएगी। बिल्कुल सर, अब हम करते ये हैं कि रोटर को उठा के कनेक्ट कर देते हैं किसी एक प्राइम मूवर से और इस प्राइम मूवर से रोटर को घुमा देते हैं। जब आप प्राइम मूवर से रोटर को घुमाते हैं तो रोटर की वाइंडिंग, चूंकि ये ओपन सर्किटेड है वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, तो रोटर की वाइंडिंग रोटेटिंग फ्लक्सेस को कट करती है। हम सबको पता है कि जब थ्री फेज वाइंडिंग जो कि स्पेस में डिस्प्लेस्ड है 120 डिग्री, उसे थ्री फेज सप्लाई मिलती है तो एक स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आती है। ये स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर की वाइंडिंग को कट कर रही है, इसमें EMF इंड्यूस कर रही है। अब अगर आप रोटर को घुमाते हैं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फील्ड घूम रही है तो फ्लक्स कटिंग घटेगा और वोल्ट मीटर की रीडिंग घटने लगेगी, और अगर आप उल्टी डायरेक्शन में घुमा रहे हैं जिस डायरेक्शन में फील्ड घूम रही है तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो स्मॉल रीडिंग ऑफ दिस वोल्ट मीटर सजेस्ट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द रोटर इज इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही। सो इसका हम लोग क्या ले लेते हैं, V2 को चेक करते हैं। इसको घुमाते समय V2 की रीडिंग छोटी आने का मतलब है आप सही दिशा में इसे घुमा रहे हैं, यू आर रोटेटिंग इन द करेक्ट डायरेक्शन। Is it okay? इसका मतलब रोटर उसी डायरेक्शन में घूम रहा है जिस डायरेक्शन में फील्ड घूम रही है। But we rotate this rotor at a speed nr slightly less than ns. ऐसा जरूरी है, क्योंकि हम लोग रोटर को nr से छोटी स्पीड पे घुमा रहे हैं, nr से ns से थोड़ी सी छोटी स्पीड पे घुमा रहे हैं। इस वजह से हम ये बोलते हैं कि हमारा रोटर जो है वो स्लिप पास्ट करेगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को, तो इसलिए इसे नाम दिया गया स्लिप टेस्ट। इज इट ओके? नाउ कम टू दिस पार्ट, ये जरूरी भी है। आपने कहा सर अगर ऐसा होगा तो हमारे पास एक फील्ड है। कौन सी फील्ड है? हमारे पास स्टेटर की फील्ड है जो कि घूम रही, तो स्टेटर की फील्ड जो घूम रही है उसकी एक सिचुएशन को देखते हैं। तो केस नंबर वन मैं ले लेता हूं, इसको दो केसेस में बांट लेता हूं। आपने कहा केस नंबर वन का मतलब है व्हेन स्टेटर फ्लक्स इज टेकिंग पाथ थ्रू व्हेन स्टेटर फ्लक्स इज टेकिंग पाथ थ्रू डायरेक्ट एक्सिस ऑफ रोटर। आपने कहा सर जिस वक्त स्टेटर का पोल अलाइन कर जाएगा डायरेक्ट एक्सिस के अलोंग, उस समय क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। आपने कहा सर ये हमारा स्टेटर में करंट बह रहा था, इसकी वजह से हमारे पास एक फील्ड आ रही थी, एंड दिस फील्ड इज रोटेटिंग। When a three-phase stator supplied by a three-phase current, then a rotating magnetic field is produced. तो आपने कहा सर ये हमारी एक rotating magnetic field है। ये field क्या हो रही थी? Space में यहाँ पर घूम रही थी। ठीक है? एक instant ये वाला है कि हमारा stator का flux path ले रहा है direct axis of the rotor। तो ये हमारा कहलाता है direct axis of the rotor। ठीक है क्या? जी सर। तो जब ये वाला इंस्टेंट हो रहा होगा उस समय क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। वी ऑल नो दैट व्हेन अ थ्री फेज वाइंडिंग डिस्प्लेस्ड इन स्पेस बाय 120 डिग्री इज सप्लाइड बाय थ्री फेज करंट डिस्प्लेस्ड इन टाइम बाय 120 डिग्री अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। सो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस होती है। ये जो फ्लक्स है वो आपका घूम रहा है, ये आपके रोटर के डायरेक्ट एक्सिस के थ्रू इस समय पाथ लेता हुआ नजर आ रहा है। रोटर पे आपका कोई पोल नहीं। ठीक है क्या? सो इस समय हम बोलते हैं आर्मेचर फ्लक्स इज अलाइंड विद द डायरेक्ट एक्सिस ऑफ द रोटर। सर इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप बोलोगे सर फ्लक्स होता है हमारा MMF अपॉन रिलक्टेंस। ठीक है भाई।
सो अगर फ्लक्स हमारा होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस और फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, आपने बोला सर अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो इसका मतलब हुआ एमएमएफ प्रोपोर्शनल होगा रिलक्टेंस के। अगर एमएमएफ प्रोपोर्शनल है रिलक्टेंस के तो आप कह सकते हो एन इंटू आई ए, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ स्टेटर, आई ए इज द स्टेटर करंट, इज प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस। आपने बोला सर यहां से हम कह सकते हैं कि चूंकि रिलक्टेंस मिनिमम है इसलिए आर्मेचर करंट इस समय जो मशीन खींच रही होगी वो मिनिमम आर्मेचर करंट मशीन खींचेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। सो यहां से मैं कह सकता हूं, आर्मेचर करंट इज प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस, क्योंकि मशीन एक बार बन गई तो स्टेटर के नंबर ऑफ टर्न्स को बदला नहीं जा सकता। फॉर मिनिमम रिलक्टेंस आईए इज मिनिमम, एज रिलक्टेंस इज मिनिमम एंड दस वोल्टेज ड्रॉप इन वैरियक इज मिनिमम, therefore voltmeter reading is maximum। आपने कहा सर ये क्या लिखा आपने, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने आपसे ये कहा था कि हम टेस्ट में क्या करने वाले हैं, हमने क्या किया रोटर को घुमा दिया इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब रोटर अगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा होगा तो उस क्षण जिस क्षण आपका स्टेटर का फ्लक्स पाथ ले रहा होगा डायरेक्ट एक्सिस ऑफ द रोटर के अलोंग, उस समय आपने बोला सर हमारा करंट मिनिमम होगा। अगर हमारा करंट जो स्टेटर ड्रॉ करेगा वो मिनिमम होगा तो आप बोलोगे सर इसके अंदर ड्रॉप मिनिमम होगा। अगर इस वैरिएक के अंदर ड्रॉप मिनिमम होगा तो V1 की मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी। अब आपने कहा सर वोल्टमीटर की पता है, इस एमीटर रीडिंग का पता है, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, वोल्टमीटर और एमीटर रीडिंग का पता है तो क्या मैं यहां पर रिएक्टेंस आपका डिफाइन कर सकता हूं? थोड़ी देर के लिए आर्मेचर के रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दीजिए, अगर जरूरत है तो आप उसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट। अगर आपको डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट जानना होगा तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। सो आपने यहां पर कह दिया सर हमारे पास जो ये आया है मिनिमम वोल्टेज बाय मैक्सिमम, यहां पर हम कह सकते हैं सर जो मशीन का रिएक्टेंस नजर आ रहा है, अगर हम आर्मेचर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दें तो वो क्या नजर आ रहा है सर, मैक्सिमम वोल्टमीटर रीडिंग बाय रूट 3 अपॉन मिनिमम एमीटर रीडिंग। सो आपने बोला सर ये हमारा कहलाएगा डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस, और इस समय जो वोल्टमीटर V2 है उसकी रीडिंग आपको दिखाई देती है। हाँ जी बेटा, वोल्टमीटर V2 की रीडिंग आपको दिखाई देगी 0। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स 0 है, भले ही फ्लक्स लिंकेज वाइंडिंग के साथ मैक्सिमम है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं केस नंबर 2 की, तो केस नंबर 2 पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चूंकि स्टेटर की फील्ड तेज घूम रही है और रोटर धीमे घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर स्टेटर की फील्ड तेज घूम रही है और रोटर धीमे घूम रहा है तो कुछ देर बाद ये वाली पोजीशन भी आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आपने कहा सर स्टेटर की फील्ड तेज घूम रही है और रोटर धीमे घूम रहा है, तो अगर रोटर धीमे घूम रहा है तो कुछ देर बाद ये वाली पोजीशन भी आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा बेटा, कुछ देर बाद ये वाली पोजीशन भी आ जाएगी। हाँ जी सर, इस समय यह कहलाएगा कि स्टेटर का फ्लक्स पाथ ले रहा है थ्रू द क्वाड्रेचर एक्सिस ऑफ रोटर पोल। सो हम ये कह सकते हैं दैट आर्मेचर फ्लक्स इज टेकिंग
path through quadrature axis of root. ठीक है क्या? बढ़िया सर. अब इस कंडीशन में फ्लक्स क्या है? फ्लक्स तो कांस्टेंट है सर. फ्लक्स होता क्या है? एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस होता है सर. और हम सबको पता है कि जब थ्री फेज स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई दी जाती है तो एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है. लेकिन आपने बोला सर यहां पर अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो एमएमएफ आपका हो जाएगा एन इंटू आई, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा रिलक्टेंस के. अब अगर ये रिलक्टेंस के प्रोपोर्शनल हो गया तो आपके दिमाग में आया सर आईए प्रोपोर्शनल है रिलक्टेंस के. अब क्या रिलक्टेंस मैक्सिमम है इस समय? आपने बोला सर रिलक्टेंस मैक्सिमम है इस समय, तो आप बोलोगे यहां पे सर आईए इज मैक्सिमम एज रिलक्टेंस इज मैक्सिमम. सो voltage drop in variac is maximum and voltmeter reading is minimum. बहुत तगड़ा सर, हम आपकी बात समझ पाए. अब फ्लक्स तो उतना ही बनना है, लेकिन जिस समय ये वाला चीज हो रहा होगा उस समय हमारा जो एमीटर लगा हुआ है ये एमीटर इज गोइंग टू मेजर मिनिमम मैक्सिमम करंट. जब एमीटर मैक्सिमम करंट मेजर कर रहा होगा उस समय यहां ड्रॉप मैक्सिमम होगा और वोल्ट मीटर पे भाई वैरिएक का वोल्टेज रेगुलेशन पता है तो यहां ड्रॉप मैक्सिमम होगा और वोल्ट मीटर मिनिमम रीड कर रहा होगा. सो आपने बोला सर एमीटर की मैक्सिमम रीडिंग और वोल्ट मीटर की मिनिमम रीडिंग हमें समझा रही है कि हमारा जो आर्मेचर का फ्लक्स है वो पाथ ले रहा है अलोंग द क्वाड्रेचर एक्सिस ऑफ रोटर. आपने कहा सर इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस. सो क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस क्या होगा? आपने बोला मिनिमम वोल्ट मीटर रीडिंग बिकॉज द वोल्ट मीटर इज अलोंग द लाइन टू लाइन, सो यू हैव टू टेक इट एज बाय रूट थ्री. सो नाउ इट विल बिकम फेज वोल्टेज अपॉन एमीटर रीडिंग. एमीटर रीडिंग इज मैक्सिमम. इज इट ओके? अच्छा, इस समय एक और चीज का पता कर सकते हैं. यहां जो वोल्ट मीटर V2 लगा हुआ है वो इस समय मैक्सिमम रीडिंग दे रहा होगा. आपने कहा फ्लक्स लिंकेज तो मिनिमम है तो मैक्सिमम रीडिंग क्यों दे रहा है? बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम. इज इट ओके? सो नाउ वी हैव XD ऑल्सो, XQ ऑल्सो. XD और XQ आर रिप्रेजेंटिंग द आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस अलॉन्ग विद द लीकेज रिएक्टेंस when armature flux is taking path through the direct axis and when armature flux is taking path through the quadrature axis. आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि XQ जो है वो XD से हमेशा क्या रहने वाला है? छोटा रहने वाला है. So now, अगर आपके पास salient pole machine है तो आपको उस पर टेस्ट करके XD और XQ की वैल्यू अगर निकालनी है so you can easily find out. This is the most important test. Because once we know about the XD and XQ, then we can analyze the entire salient pole machine under different loading condition. I am hoping कि आपको ये slip test अच्छे से समझ में आया होगा. और slip test के बाद अगर आप मुझसे कहो कि DC resistance test के लिए भी आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा. इसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना होगा. मैं आपको बता देता हूं हमारे को आप फॉलो कर सकते हो, हमारे को आप फॉलो कर सकते हो इस टेलीग्राम लिंक पे. दीज आर द डिफरेंट पेड कोर्सेज दैट आर स्टार्टेड फ्रॉम 1st ऑफ मार्च. यू कैन फॉलो अस ऑन क्रेट्रिक्स गेट ट्रिपल ई. ओके, सो गेट डबल ई. सो क्रेट्रिक्स गेट डबल ई चैनल पे आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो. यहां पे आने के बाद आपको मिल जाते हैं हर तरह के पेड कोर्स के सिर्फ नोटिफिकेशन और हर स्पेशल फ्री क्लास का नोटिफिकेशन. I am hoping you have enjoyed a lot. Thank you for watching.